हमारा सबसे इस टाइम पहला मकसद है कि लोगों की जिंदगियां वापस नॉर्मल हों। हिंसा तो रुक चुकी है, अब हिंसा की कोई कहीं वारदात नहीं आ रही है, लेकिन कई लोग घर छोड़ के चले गए हैं, वो लोग वापस अपने अपने घर लौटें और आपस में सभी समुदायों के बीच में वापस दोस्ती और भाईचारे का रिश्ता कायम हो, ऐसा हम लोगों का सबसे बड़ा इस वक्त मकसद है। लोगों को अपनी ज़िंदगी दोबारा सुचारू रूप से शुरू करवाने के लिए सरकार की ओर से जो भी सहायता हम लोग दे सकते हैं वो सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दुकानें जल गई, कई लोग ऐसे हैं जिनके घर जल गए, कुछ लोगों की मौत हो गई, कई लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड हो गए, पार्टली इंजर्ड हो गए। इन सभी लोगों को हम लोगों ने मुआवजा देने के लिए ऐलान किया है। हमारे जैसा मैंने बताया था कि जो ये चार सब डिविजन्स हैं जो अफेक्टेड हैं, उसमें हम लोगों ने बाहर से अब टोटल 18 SDM वहाँ पे नियुक्त किए हुए हैं। तो एक एक SDM के अंडर में बहुत छोटे छोटे अब एरिया आते हैं, मान लीजिए दो दो तीन तीन छोटे छोटे कॉलोनीज आती हैं। तो अभी हमने सारे SDMs के साथ मीटिंग की और लगभग सभी SDM अपना अपना एरिया का बहुत डिटेल में राउंड ले चुके हैं और कई बार राउंड ले चुके हैं। तो उनको हमने कहा है कि सारे आइडेंटिफाई कर लें, कौन सी दुकानें, कितनी दुकानें जली, कौन सी दुकानें जली, कितने घर जले, कौन से घर जले, कितने पार्टली जले, कितने फुली जले। तो हालांकि काफ़ी कुछ कर चुके हैं, लेकिन मैं अभी आपको फिगर नहीं दूंगा। कल तक हम आपको एग्जैक्ट फिगर बताने की स्थिति में होंगे कि एग्जैक्टली कितने घर जले, कितने व्हीकल्स जले, कितने दुकानें जली, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत वो वेरीफाई करना उन लोगों को बाकी है, तो अभी कुछ फिगर देना सही नहीं रहेगा। जो आज से हमने एक्स ग्रेशिया अमाउंट देना ऐलान किया था, तो 69 के करीब फॉर्म्स आए हैं सुबह से, और उन लोगों को आज रात तक या कल सुबह तक इनिशियल एक्स ग्रेशिया अमाउंट दे दिया जाएगा, कैश दे दिया जाएगा, ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी शुरू कर सके। इसमें जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए हैं या जिन लोगों के घर सब्सटैंशली जल गए हैं या जिन लोगों के घर में मौत हो गई है या जो इंजर्ड हुए हैं, उन लोगों को एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया जा रहा है। तो उसके अलावा SDMs जो हैं वो इंश्योर करेंगे, या तो वो खुद या अपने किसी सीनियर ऑफिसर को भेज के, ये एक बार ही जब हमारी सारा बन जाएगा तो हम इस पर डिपेंड नहीं करेंगे कि लोग हमारे पास आके फॉर्म दे के जाएँ, उनके घर हम फॉर्म भिजवा रहे हैं। जो डेड लोग हैं उनके भी, इंजर्ड लोग हैं उनके भी, जिनके घर जल गए, जिनकी दुकानें जल गई, जिनके व्हीकल जल गए, उनके हम घर फॉर्म्स भिजवा रहे हैं और ताकि वो घर फॉर्म भर सकें। खाने की कोई अभी दिक्कत ऐसी नहीं है, जहाँ जहाँ खाने की ज़रूरत है वहाँ खाने का इंतज़ाम कर दिया गया है, और रहने की भी दिक्कत नहीं है। जो लोग छोड़ के गए हैं वो कई लोग जिनके घर जल गए हैं वो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। कुछ लोग हैं जिनको ज़रूरत है, उनके लिए हमने नाइट शेल्टर्स में और कम्युनिटी सेंटर्स में इंतजाम किया है, लेकिन वो जो इंतजाम है अभी तक सफिशिएंट है, क्योंकि अभी भी खाली पड़े हैं, काफ़ी जगह है नाइट शेल्टर्स में और अभी भी खाली पड़े हैं। अगर और ज़रूरत होगी तो और इंतज़ाम करेंगे, लेकिन अभी और ज़रूरत नज़र आ नहीं रही है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग वापस भाईचारे के साथ रहें, तो SDMs को आज हमने कहा है कि जब वो जा रहे हैं तो आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके वो कहें, भाई आप खुद फ़ोन करके वापस बुलाइए इनको, और उनको कहिए कि हम चाहते हैं कि आप वापस आएँ और आप रहें और आपको आपकी सुरक्षा हम करेंगे। तो इस तरह का एफर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है वहाँ पे शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए, नहीं तो लोग डर के मारे अगर वापस नहीं आएंगे तो वो सही नहीं है। तो पूरी दिल्ली सरकार, सारे डिपार्टमेंट्स इसमें लगे हुए हैं और पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, और सफाई व्यवस्था भी की, जो जो जिन जिन इलाकों में सफाई की प्रॉब्लम थी उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जो नाइट रात को स्ट्रीट लाइट्स जहाँ जहाँ काम नहीं कर रही है उसकी लिस्ट
काफी जगहों पे तो ठीक कर दी गई है, उसकी लिस्ट भी बनाने को आज कहा गया है कि उसको तुरंत ठीक किया जाए। हमने अपने सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में खासतौर से एसएमसी की मीटिंग कराई थी, पेरेंट्स की और जो बाकी एसएमसी के मेंबर्स हैं उन लोगों की, और एसएमसी मेंबर्स के साथ में, क्योंकि एसएमसी मेंबर उसी लोकलिटी से आते हैं, उन्हीं के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और आसपास की लोकलिटी से आते हैं, तो उनसे असेस किया था सारा उनकी क्या राय है। तो आमतौर पर यही राय निकल गया है कि अभी हालांकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, रेगुलर क्लासेज नहीं हैं, पर अगर एग्ज़ाम भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सके, जो हमारी गृह परीक्षाएँ हैं, इन हाउस एग्ज़ाम्स हैं, वो हमने 7 तारीख तक आगे बढ़ा दिए हैं, उसका सर्कुलर आप लोगों के बीच में पहुँच गया है सर। अभी तक जो और जो इसके हैं CBSE के एग्ज़ाम्स हैं, हम CBSE को भी कह रहे हैं कि वो भी कंसिडर करें, क्योंकि बच्चे अभी ट्रॉमा में हैं इस वक्त, ऐसे में उनके लिए पढ़ना हम भी समझते हैं, पेरेंट्स का भी मानना था, टीचर्स का भी मानना था कि अभी स्थितियाँ वो नहीं हैं कि अनुकूल की उनकी परीक्षा ली जाए। तो हम CBSE को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा आगे बढ़ा दे या इस ज़िले के एग्ज़ाम्स को रिकन्सिडर करें आगे बढ़ाने के लिए।